राक्षसी प्रवृत्ति की महिला लगती है, राक्षसी प्रवृत्ति की महिला लगती है, राक्षसी प्रवृत्ति की महिला लगती है। और भी सैकड़ों लाखों लोगों ने माँ दरदा की परिक्रमा की है, वो करते रहते हैं हमेशा। उन सबको भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, जो भोपाल की सांसद है, उन्होंने पापी और अनर्गल शब्द उनके बारे में किया है, क्योंकि माँ नर्मदा की परिक्रमा, माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे माँ नर्मदा की माननीय दिग्विजय सिंह जी ने और कई लाखों भक्त, हजारों भक्तों ने उनके साथ पद यात्रा की और उनको पापी बता करके ये महिला हमेशा अनर्गल करती है, ये कतई साध्वी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा भी इस महिला को सांसद बना करके भोपाल से ये भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि किस तरह के लोगों के, किस तरह की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी पसंद करती, जबकि यही प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट में इसका नाम है, जोशी हत्याकांड में इसका नाम है, ये कतई भी साध्वी नहीं लगती है। ये जो हमारे महाराष्ट्र में जो हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे की जो शहीद हुए हैं उनके खिलाफ इन्होंने बहुत अपशब्द बोला है, और महात्मा गांधी सबके खिलाफ ये हमेशा बोलती है, कतई साध्वी नहीं लगती है, तो राक्षसी प्रवृत्ति की महिला लगती है। निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं को पार्टी से बाहर करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, और इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। सैकड़ों लाखों लोगों ने माँ दरदा की परिक्रमा की है, वो करते रहते हैं हमेशा। उन सबको भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, जो भोपाल की सांसद है, उन्होंने पापी और अनर्गल शब्द उनके बारे में किया है, क्योंकि माँ नर्मदा की परिक्रमा, माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे माँ नर्मदा की माननीय दिग्विजय सिंह जी ने और कई लाखों भक्त, हजारों भक्तों ने उनके साथ पद यात्रा की और उनको पापी बता करके ये महिला हमेशा अनर्गल करती है, ये कतई साध्वी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा भी इस महिला को सांसद बना करके भोपाल से ये भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि किस तरह के लोगों के, किस तरह की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी पसंद करती, जबकि यही प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट में इसका नाम है, जोशी हत्याकांड में इसका नाम है, ये कतई भी साध्वी नहीं लगती है। ये जो हमारे महाराष्ट्र में जो हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे की जो शहीद हुए हैं उनके खिलाफ इन्होंने बहुत अपशब्द बोला है, और महात्मा गांधी सबके खिलाफ ये हमेशा बोलती है, कतई साध्वी नहीं लगती है, तो राक्षसी प्रवृत्ति की महिला लगती है। निश्चित रूप से ऐसी महिलाओं को पार्टी से बाहर करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को, और इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।